हेलो दोस्तों, एक बार फिर आराम में आप लोगों का स्वागत है। आई होप कि आप सबको ही अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, मुझे पता है कि मैं बहुत दिन के बाद वीडियो लेके आई हूँ। तो आपको पता ही है, अभी कोरोना वायरस का टाइम है और मुझे भी इन्फेक्शन हो गया था। तो थैंक गॉड मैं अभी कम्प्लीटली क्योर हो गई हूँ। बस लेकिन मेरा वॉइस का प्रॉब्लम था, इस वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी और वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने वीडियो अपलोड नहीं करा। बट अभी मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगी और आप जैसे मुझे पहले प्यार दिया करते थे, वैसे ही आगे भी प्यार दिया कीजिए और मेरे वीडियो को ज़रूर देखिए। तो आज के इस वीडियो में मैंने बनाया हुआ है पुराने एक धोती को यूज़ करके, एक उसमें फैब्रिक पेंट किया हुआ है और बनाया है एक स्टोल कम दुपट्टा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने पहना हुआ है। तो ये था ना कितना सुंदर। तो आप अपने लिए जरूर बनाइएगा। तो चलिए आगे देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे। तो ये स्टोल या दुपट्टा बनाने के लिए मैंने ये धोती लिया हुआ है। ये एक फंक्शन के लिए हमारे घर में लाया गया था, तो मैंने इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इसका स्टार्च रिमूव कर लिया है, क्योंकि फैब्रिक में जब भी हमें फैब्रिक पेंट करना होता है, इसे वॉश करके इसका स्टार्च रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। तभी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको स्टोल या दुपट्टा जो भी बनाना है, इसके हिसाब से लेंथ वाइज से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं स्टोल बनाने वाली हूँ, तो इसके लिए मैंने इसका मेजरमेंट रखा हुआ है 75 इंचेस बाई 25 इंचेस। तभी हमें इसके चारों साइड को अच्छी तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारा देखिए अच्छी तरह से स्टिचिंग हो गया है। तभी हम लोग इसमें अपना डिज़ाइन ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद पेंटिंग करेंगे। तो मैं अपना डिज़ाइन बनाने के लिए ये टेलरिंग पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। ये काफ़ी ईजी टू यूज़ होता है और इसे वॉश करने के बाद ये आसानी से रिमूव भी हो जाता है। तो ये आपको ऑनलाइन अमेजोन से ईजिली मिल जाएगा। तो देखिए, मैं ये टेलरिंग पेंसिल यूज़ करके अपना ड्राइंग बना लेंगू। पहले आप इसमें अपने पसंद के हिसाब से कुछ भी ड्राइंग कर सकते हैं। ये टेलरिंग पेंसिल आपको बहुत सारे कलर ऑप्शंस में भी मिल जाएंगे। कि हमारा ये ड्राइंग कम्प्लीटली बन गया है, तभी हम लोग पेंटिंग शुरू करेंगे। तो ये पेंटिंग करने के लिए मैं कैमलिन का ब्रश नंबर 9 यूज़ कर रही हूँ और मैं कलर यूज़ कर रही हूँ फेविक्रिल का फैब्रिक कलर। तो हम लोग ये वाटर बेस्ड पेंटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें हल्के ब्रश से जिस पोर्शन को हमें पेंट करना है, इसे पानी से इस तरह से भिगो लेना है। तो हमें इसे ज़्यादा डिप नहीं करना है, अदरवाइज़ पानी जो है वो बाहर एरिया में फैल जाएगा और जब हम कलर इस पर अप्लाई करेंगे तो पानी के साथ कलर भी हमारे आउटर एरिया को बह जाएगा। तो इस तरह का टेक्निक यूज़ करने से आपको बहुत कलर कम कलर में ये कलर फैल भी जाता है, बहुत अच्छी तरह से ये स्मूथ हो पाता है, प्लस जब अभी ड्राई होता है तो फैब्रिक इतना हार्ड भी नहीं होता। देखिए कितने अच्छी तरह से हमारा कलर शेड हो जा रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें यहाँ पर ये याद रखना है कि हम ऑल्टरनेट सेक्शंस को यहाँ पर पेंट कर रहे हैं, ताकि क्योंकि एडजस्टेंट एरियाज़ अगर ड्राई नहीं हुआ होगा तो वो कलर फैल जाने का या ख़राब हो जाने का चांसेस रहता है। तो अगर हम ऑल्टरनेट पेंट करें तो ये जब तक पेंट करेंगे तो नियर बाय एरिया वो ड्राई हो गया होगा और हम आसानी से उस पर पेंट कर पाएंगे। तो बस आप आगे देखते जाइए मैं इसे कैसे कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर ये स्टोल बनाने के लिए या दुपट्टा बनाने के लिए ये धोती का फैब्रिक यूज़ किया हुआ है, क्योंकि धोती जो होता है वो काफ़ी प्योर कॉटन का होता है और वो यूज़ करते करते बहुत सॉफ्ट हो जाता है और स्किन को अच्छा फील होता है। तो इट इज़ अ बेटर ऑप्शन, अगर आप कॉटन का स्टोल बनाना चाहते हैं तो धोती आप ले सकते हैं।
एंटायर पेंटिंग करने के लिए मैं ये वाटर बेस टेक्निक ही अप्लाई करने वाली हूँ। तभी इसके बॉर्डर बनाने के लिए मैं फेविक्रिल का सिल्वर कलर यूज करूंगी। ये सिल्वर आउटलाइन इस पेंटिंग को बहुत खूबसूरत लुक देने वाला है। इस तरह से हम लोग बाकी पेंटिंग भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए हमारा पेंटिंग कंप्लीट हो गया है, दिखने में लग रहा है ना कितना सुंदर। तो इसे हमें एटलीस्ट 24 आवर्स के लिए ड्राई होने देना है, उसके बाद हमें इसे बैक साइड से आयरन कर लेना है। तो मैंने इसे आयरन कर लिया है, तभी हम इसके ये पॉम पॉम वाले लेस लगा लेते हैं, उसके बाद मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। तो देखिए हमारा स्टोल या दुपट्टा बन के रेडी हो गया है, दिखने में लग रहा है ना कितना प्यारा और कितना सुंदर भी है और यूनिक भी है। तो आप अपने लिए एक जरूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।